हेलो भाई, नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया जी, आप भी नमस्ते। आपको भी प्रदीप भाई, बिल्कुल। धूप निकल गई आज तो थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी, आए तो के मेरे को लगता है शरीर में जान आ गई होगी। आए तो घोड़ों के भी शरीर में जान आ गई जी, घोड़ों की चाल ही बदल गई। हाँ, वाकई बदल गई जी। कल तो घोड़े ऐसे सुस्त खड़े हुए थे, आज तो सारे घोड़े उदम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, पूरा जी। तो भाई साहब, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और फार्म का क्या नाम है? मेरा नाम है रॉबिन जी सिंह जी, फार्म का नाम है पलवान स्टड फार्म ही। ओके, और किधर पड़ता है अपना ये फार्म? ये विलेज पाक्का में पड़ता है जी, इतों 20 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में होता है पॉइंट हमारा, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका जिला। हाँ जी। तो कितने क्या घोड़े वगैरह रख रखे भाई? है 4-5, 4-5 है। 4-5 है। हाँ जी। कितने टाइम से रख रहे हो घोड़े वगैरह? ये तो शुरू तो ये दादे पड़दादे से चलता आ रहा है काम हमारा ये। अच्छा। हाँ, तो आपकी क्या उम्र है अभी? मेरी उम्र 21 साल ही। 21 साल है। हाँ, तो पढ़ाई करते हो? हाँ जी। क्या घोड़ों में डिग्री कर रहे हो? नहीं नहीं, पढ़ाई करते हैं घोड़ों में, जब फिर घर आते हैं। मैं वैसे बाहर रहता हूँ, जब घर आते हैं तो फिर मैं घोड़ों में ही करते हैं सब कुछ। तो बाहर कहाँ, विदेश में रहते हो? नहीं नहीं, इधर ही चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ में पढ़ाई वगैरह करते हो। तो अभी इस घोड़े की बात करें तो घोड़े का नाम क्या है? इसका नाम है जी ब्लैक शान। ब्लैक शान। हाँ जी। ओके, और अगर इसके बाप की बात करें तो? इसका बाप शान सबरामा वाला जी, ऑल इंडिया जो था, जो अभी चला गया है। हाँ जी बिल्कुल। तो अपने घर की होम ब्रीडिंग है या कहीं से खरीदा था? नहीं नहीं, ये हमारे घर की होम ब्रीड है जी। आपके घर की होम ब्रीड है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। बाकी क्या हाइट में कितना हो गया ये अभी? ये 64 जी। 64। हाँ जी बिल्कुल। और उम्र कितनी बताई आपने इसकी? इसकी 3 ईयर, 3 साल हो गए। 3 साल की है। हाँ जी। बाकी दो पैर सफेद और माथे पे पट्टा है ना? हाँ जी हाँ जी। बाकी कवरिंग वगैरह चालू कर दी है इसकी? पहले नहीं की थी कवरिंग चालू जी, अब मेले के बाद हम इसकी स्टार्ट कर दें, स्टार्ट सर्विस। मेले के बाद में स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी। तो क्या फीस वगैरह क्या रखने वाले हो? 21,000 जी। 21। हाँ जी बिल्कुल। तो अपनी किसी घोड़ी पे भी नहीं छोड़ा है? नहीं, अभी तक छोड़ा नहीं है जी। अच्छा, छोड़ा नहीं है, अभी शुरुआत करेंगे। हाँ बस, समझ लो भी आपके चैनल वीडियो के जाने के बाद में शुरुआत हो जानी है। हाँ जी। तो भाई मंडी में कैसी रौनक आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरी रौनक जी। इसका पहला मेला है, देखो पूरा मैंने वध चढ़ के रिस्पांस मिला ये। अच्छा, पहला मेला है? पहला मेला है। आज से पहले कभी नहीं आया? नहीं कभी नहीं आया जी। पूछा के घोड़े को कैसा लग रहा है? घोड़ा कह रहा होगा बोले यार ठंड ज्यादा है, बाकी मेला तो ठीक है बोले। घोड़ा देखो, घोड़े का मन लगा है, ठीक है। पर घोड़े के पास में एक बंदा रखना पड़ता है यार मेले में, जरूरी है जी। घोड़ा आते जाते सबों को देखता रहता है, तो हिलता हिलता डुलता रहता है। हाँ जी हाँ जी। तो बाकी सारा खाने पीने का बंदोबस्त सब करके आए हो मेले में? सब करके आए जी, पूरा सब करके आए। हाँ जी बिल्कुल। बाकी शान के तो चलो भाई यार लिमिटेड बच्चे रह गए। हाँ जी हाँ जी। जिनके पास में है मेरे को लगता है वो भगवान की देन है। हाँ जी हाँ जी, है ना? क्योंकि उसे देखो, आपका एटीट्यूड वैसे का वैसा ही है, इसके बाप जैसा देखो। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई देखो, उस घोड़े के जिनके पास में बच्चे हैं वो भगवान की देन ही समझो। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि उसके जैसा घोड़ा उसके उससे ऊपर आ सकता है, उसके बराबर का आए ये संभव है नहीं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए मेले में शान के बच्चे बहुत हैं, पर ये है कि उसमें से ये देखना पड़ेगा कि जेन्युइन कितने हैं। हाँ जी हाँ। ये डीएनए कराया कि नहीं कराया इसका? डीएनए हो गया जी। डीएनए रिपोर्ट वगैरह आ गया सब आ गया जी, रजिस्टर हो गया जी। तो घर पे और कौन कौन से घोड़ा घोड़ी हैं अपने पास में? यहाँ तो दो ही लेके आए हैं, एक हाथी की बच्ची लेके आए हैं और एक ये लेके आए हैं। ओके। हाँ जी, घर पे है और 2-3 है बिल्कुल। बाकी इसका नाम क्या बताया? ब्लैक शान। हाँ जी बिल्कुल। तो हाथी की बच्ची कहाँ है? इधर ही है जी। अच्छा, वो वाली? हाँ जी बिल्कुल। ओके चलो भाई साहब, बाकी अपना कॉन्टेक्ट नंबर कौन सा है जो लिखा हुआ है बोर्ड पे? हाँ वही वाला। हाँ जी वो वाला। चलो एक बार हाथी की बच्ची भी दिखा दे। हाँ लोगों जी, को। हाँ जी, हाँ जी। हाथी घोड़ा भी बड़ा मशहूर घोड़ा था भाई। हाँ जी हाँ जी। ये है हाथी की बच्ची है। हाँ जी। क्या उम्र होगी भाई इसकी? इसकी 4 साल होगी जी उम्र। 4 साल है। हाँ जी। तो ये भी अपने घर की है या घर की होम ब्रीड है? ये घर की होम ब्रीड है। हाँ जी। तो इसकी जो माँ थी वो कितनी थी हाइट में? वो 62 थी उसकी हाइट। 62 थी। हाँ। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी 66 प्लस है जी। 66 प्लस है। हाँ जी बिल्कुल। और उम्र कितनी बता रहे हो आप इसकी? 4 ईयर्स जी। कितने? 4 साल। 4 साल। तो बच्चे वगैरह दिए कि इसने? एक बच्चा दिया ये पहले इसने। है वो बच्चा भी आपके पास? वो बच्चा दे दिया था, स्पॉटलेस था, बछेरा आया था अनमोल रतन से जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अभी गब्बन है या खाली है? अभी बस चेक होने वाली है, अनमोल रतन से दोबारा सुपर है। सुपर है। क्या नाम रख रखा है इसका? इसका विसाखी जी। बैसाखी। हाँ जी बिल्कुल। पंजाबी नाम रख दिया है। ये विसाखी वाले दिन हुई तो इसका नाम विसाखी रख दिया। हाँ जी। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। बाकी भाई साहब का जो कांटेक्ट नंबर है वो पोस्टर में चल रहा होगा, तो कोई सी भी भाई को अगर कांटेक्ट करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये है ब्लैक शान, इसकी कवरिंग भी इस वीडियो के बाद में स्टार्ट हो जाएगी, तो
तो इस घोड़े से कोई भी अपनी घोड़ी अगर मैट करवाना चाहता हो तो वो भाई भी इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकता है। ओके थैंक यू भाई। तो भाई साहब ये हैं रॉबिन जिस जी के फादर हैं, तो हम इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसा ये मेले में अनुभव कर रहे हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। तो भाई साहब कितने टाइम से इस मेले के अंदर आ रहे हो आप? तो पुराने आ रहे हो गए 15-16 साल से। 15-16 साल से? तो 15-16 साल में कुछ चेंज देखने के लिए मिल रहा है क्या? बहुत ज़्यादा। एक तो चेंज मेरे को देखने के लिए ये मिल रहा होगा, ट्रैक्टरों की तादाद बढ़ गई है मेले में, है ना? हाँ जी। बाकी और कुछ चेंज है क्या? टेंट वेंट पहले को नहीं सी लगते। अच्छा, टेंट वगैरह में थोड़ा सा अपग्रेड हो गया मामला। तो आप भाई साहब शुरू से ही घोड़े रखते थे? शुरू से ही। बिल्कुल। तो घोड़े पर राइडिंग वगैरह भी करते थे? हाँ जी हाँ जी। है तो इसे मंडी में मेरे को लगता है कि पहले आपका टेंट जहाँ तक लगा हुआ है यहाँ तक नहीं लगती होगी, आप तो ये मंडी पीछे पीछे लग रही थी, पीछे पीछे। और मेरे को लगता है कि अगली साल ये मंडी वो गांव पार कर जानी, सरकार को अलग जगह देनी पड़ेगी इस मंडी के लिए। मंडी लब दे फिर दे पास जगह के थे। बिल्कुल। तो आपने घर का ही तैयार किया हुआ है ये? ब्लैक होम ब्रीड है, होम ब्रीड है। बिल्कुल भाई साहब। बाकी मंडी में नजारा आ रहा है कि नहीं आ रहा? फुल बहुत बढ़िया मंडी, बढ़िया बहुत। चलो, तो पैर में क्या प्रॉब्लम हो गई थी? घुटने की प्रॉब्लम। घुटने का प्रॉब्लम है तो थोड़ा ठीक है? नहीं है अभी? ठीक ठाक। चलो, अब यही उम्मीद करेंगे भगवान आपको, हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की तरह से आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। ठीक है भाई साहब। ओके थैंक यू। ओके।